सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। मैनपुरी नगरपालिका से सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा की हार को लेकर बोले। मैनपुरी नगरपालिका अध्यक्ष का परिणाम देरी से आने को लेकर बोले अखिलेश यादव ने। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिलों का पता करिए कि रिजल्ट कब आ रहा है। 4 से 7 घंटे में क्या मैनपुरी में इतने वोट पड़ा है कि सुबह हुई और काउंटिंग अगले दिन खत्म हुई। उनका हारना था लोधी समाज को, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि 2024 भाजपा के लिए सफाया बाला साल होगा। रामपुर में वोट नहीं डालने देंगे, एटा में मुस्लिम इलाका है उसमें वोट नहीं डालने देंगे। बेवर नगर पंचायत में सपा की हार को लेकर बोले अखिलेश यादव। चेयरमैन जीत गया बोले, अभी परिणाम मिलेगा तुम्हें, बताओ क्या मिले बेवर बोले। पिछली बार लोकसभा में भी उनकी यही तैयारी थी, उन्होंने इस चुनाव में जो किया। वंदे भारत न्यूज़, जिला मैनपुर से रोहित यादव की रिपोर्ट। पानी का सेमीफाइनल है, लूट का सेमीफाइनल है और मक्कारी का सेमीफाइनल है, बीजेपी क्या उम्मीद कर सकते हो? आप न्याय मांगे और जिलों का पता करिए नगर पालिका का परिणाम कब आ गया। 4 घंटे में 5 घंटे में 6 घंटे में 7 घंटे में क्या मैनपुरी में इतना वोट पड़ा कि सुबह शुरू हुआ और अगले दिन खत्म हुई हो काउंटिंग? रिजल्ट कब अपलोड हुआ आप बताइए। उनको हराना था लोधी समाज, आप जीती हुई सीट हारे हैं। लोधी समाज को हराना था इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। क्या भाजपा भयभीत है 2024 में भुगतेंगे? 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाया वाला साल होगा। मतदाता आपके साथ है, प्रशासन इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेगा, इस तरह की रणनीति उनकी पहले भी रहेगी, किस तरह से निपटेंगे? इसीलिए हमारे जितने भी एजेंट आए थे उनके पास कुछ न कुछ शिकायत थी। आखिरकार सबक क्या सीखा हमने, सबक क्या है इन रिजल्ट, सबक क्या है इन चुनाव का? रामपुर है बोर्ड नहीं डाल देंगे आप, एटा में मुस्लिम इलाका है उसमें वोट नहीं डालने देंगे आप। आपके बगल में मैं मिल के आया, चेयरमैन जीत गया, उससे कहा कि परिणाम मिलेगा बैठो, एक घंटे बेवर। और बताइए क्या मिला बेवर वाले को बाद में? इसलिए और तैयारी तो पिछली बार लोकसभा में भी यही थी, जो इन्होंने चेयरमैनी के चुनाव में किया लोकसभा में भी यही तैयारी थी। आपने सवाल ठीक पूछा है कि अगर प्रशासन अधिकारी मिल करके इस तरह लूट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब जनता देगी। 2024 में इस इलेक्शन में एक चीज देखने को मिली।